वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। माई सेल्फ मिसेस मनीषा बड़गुजर ऑफ स्टैंडर्ड नर्सरी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम सीखेंगे कैपिटल अल्फ़ाबेट। कैपिटल अल्फ़ाबेट ए टू जेड आपको ओरली बोलना है। यू हैव टू स्पीक बिहाइंड मी। ओके। ए फॉर एप्पल, B for ball, C for cake, D for doll, E for elephant, F for frog, G for goat, H for house, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lollipop, M for मोबाइल फोन, एन फॉर नोज, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पाइनएप्पल, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज, एस फॉर स्पैरो, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वायोलिन, डब्ल्यू फॉर वॉच, X for xylophone, Y for yak, Z for zebra. Repeat again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. तो A to Z हम फिर से रीडिंग करेंगे यहाँ पे। स्पीक बिहाइंड मी। A, B, C, D, E, F, G, H I J K L O M N O P, L O M N O P Q R S T, U V W X Y Z. Repeat again. A B C D E F G, H I J K L M N O P Q R S T, U V W X Y Z. Okay. आज हम सीखेंगे राइटिंग वर्क। हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रोक सीखे थे। आज हम सीखेंगे कैपिटल अल्फ़ाबेट ए और बी। ए फॉर एन एरोप्लेन। ए फॉर एन एरोप्लेन हम कैसे लिखेंगे? थ्री लाइन में, कैपिटल लेटर्स थ्री लाइन में ही राइटिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने दिए हैं डॉट्स। तो ए फॉर एप्पल हम कैसे लिखेंगे थ्री लाइन में? पहले लगाएंगे स्लेंटिंग लाइन, फिर से ऊपर के डॉट पर रखेंगे और एक लगाएंगे स्लेंटिंग लाइन और बीच में देंगे स्लिपिंग लाइन। तो यहाँ पे टू लाइन जो होती है वहाँ पे ही हम स्लिपिंग लाइन जोड़ेंगे। तो ये बन गया ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो फिर से हम स्लेंटिंग लाइन बनाएंगे। यहाँ पे ऊपर के डॉट को नीचे की डॉट से मैच करेंगे। फिर से ऊपर डॉट के ऊपर रखेंगे और स्लेंटिंग लाइन यहाँ पे बनाएंगे और ये स्लिपिंग लाइन। तो ये बन गया ए फॉर एप्पल। तो फिर से हम राइट करेंगे। ये रेड लाइन के ऊपर मैंने डॉट दिया है, तो ऊपर का डॉट हमें नीचे के डॉट को मैच करेंगे। फिर से स्लेंटिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन और एक स्लेंटिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन। इस तरीके से हम ए फॉर एप्पल थ्री लाइन में लिखेंगे। ए फॉर एरोप्लेन का नेक्स्ट लेटर बी फॉर बॉल। तो अब हम सीखेंगे बी फॉर बॉल। तो बी फॉर बॉल लिखने के लिए हमें पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर की रेड लाइन को टच करके हमें नीचे की थ्री लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। फिर हम बनाएंगे टू हाफ सर्कल, वन, यहाँ पे हाथ नहीं उठाना,
और ये दूसरा आप सर्कल नीचे बनाएंगे। ऐसे ही हम फिर से राइट करेंगे बी फॉर बॉल स्टैंडिंग लाइन, टू हाफ सर्कल स्टैंडिंग लाइन, टू हाफ सर्कल स्टैंडिंग लाइन, टू हाफ सर्कल। यहाँ पे हाथ नहीं उठाना है, ठीक है? तो आपको ए और बी फोर लाइन की नोटबुक में लिखना है। ओके,